ये आईपिल खाने से अबॉर्शन हो जाता है क्या? सब डॉक्टर्स ये क्यों बोलते हैं कि ये बुरा है? ये कैसे काम करता है? आप सेक्स करते हैं, पिल लेते हैं और प्रेग्नेंट नहीं होते। मैं हूँ डॉक्टर तन्या और आप मुझे डॉक्टर क्यूट्रस के नाम से भी जानते हैं, और मैं आज आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बताने वाली हूँ। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के नाम से पता चल जाता है कि इसका क्या काम है। ये इमरजेंसी में काम आता है और ये कॉन्ट्रासेप्शन है, मतलब ये कॉन्सेप्शन और फाइनली प्रेगनेंसी को रोकता है। कॉन्ट्रा मतलब किसी के अगेंस्ट जाना, तो अगर आप कंसेप्शन के अगेंस्ट जा रहे हैं तो वो कॉन्ट्रासेप्शन है, और हो सकता है ये आपको बहुत बार यूज़ करना पड़े। जैसे हो सकता है कि आपने कॉन्डम यूज़ किया हो पर वो टूट गया हो, या आप उसे लगाना ही भूल गए हो, बेसिकली आपका बर्थ कंट्रोल फेल हो गया हो, या नॉन कंसेंशुअल एक्ट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज़फुल भी है। लेकिन ज़रूरी है कि हम इसे अब्यूज़ ना करें। तो आइए जानते हैं कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इंडिया में दो प्रकार के इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल होते हैं। पहला है IUD या इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ये एक छोटा सा टी शेप डिवाइस है जो आपके यूट्रस में लगाया जाता है। यूट्रस वो कैविटी है जहाँ बेबी नॉर्मली होता है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते और आप एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना चाहते हैं तो आप इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज़ कर सकते हैं जो यहाँ अंदर बैठेगा और बेबी को फॉर्म होने से बचाएगा। दूसरा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन जो मार्केट में अवेलेबल है वो है हॉर्मोनल पिल्स। मैं समझती हूँ कि सब डॉक्टर के पास IUD के लिए नहीं जा सकते और ये सब कुछ काफ़ी टफ भी हो सकता है, पर ध्यान रखिए कि IUDs सबसे इफ़ेक्टिव फॉर्म ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हैं। पर आप हार्मोनल पिल्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये पिल्स बहुत सारे तरीक़ों से काम करते हैं। तो यूट्रस के साइड में ओवरीज होती हैं जो हर महीने एग्स बनाती हैं और उन्हें रिलीज करती हैं। जब एग और स्पर्म एक साथ फ्यूज़ करता है तो आपको एक क्यूट लिटिल बेबी मिलता है। अगर आप इस एग को रिलीज़ होने से ही बचा लें तो ये एग स्पर्म से नहीं मिलेगा, फ्यूजन भी नहीं होगा और बेबी फॉर्म नहीं होगा। हार्मोनल पिल्स या तो उस एग को रिलीज़ होने से रोकते हैं या प्रोसेस को डिले करते हैं। इसके काम करने का दूसरा तरीका ये भी है कि अगर एग स्पर्म से फ्यूज़ होने चला भी जाता है और एक एम्ब्रियो फॉर्म हो भी जाता है तो ये हार्मोनल पिल इस बात का ध्यान रखेगी कि वो एम्ब्रियो यूट्रस की लाइनिंग से अटैच ना हो। इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन, पर हार्मोनल पिल्स एम्ब्रियो को यूट्रस से इम्प्लांट होने से रोकते हैं। तो इससे आपको पता चला कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस किस तरह प्रेगनेंसी होने से रोकते हैं, क्योंकि अब हमें समझ आ गया है कि हार्मोनल पिल्स या इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कैसे काम करते हैं। अब ट्राई करते हैं ये समझने की कि ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स काम कैसे करते हैं। इंट्रायूट्राइन डिवाइस लेने के लिए आपको एक डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है जो इस डिवाइस को आपके अंदर इंसर्ट करेगा, वो भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स होने के 5 दिन के अंदर अंदर। ये बेस्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है, पर इसके लिए एक डॉक्टर और एक हॉस्पिटल चाहिए जहाँ वो इस डिवाइस को इंसर्ट कर सके स्टेराइल कंडीशंस के अंडर, मतलब एक ऐसे कंडीशन में जहाँ इन्फेक्शंस होने का खतरा ना हो। दूसरी है हार्मोनल पिल्स। इन पिल्स को आप किसी भी फार्मेसी से खरीद सकते हैं और इन्हें खुद ही ले सकते हैं। इन्हें कंज्यूम करना बहुत आसान है। ये नॉर्मली 2 के पैक्स में आते हैं या एक सिंगल डोज के फॉर्म में भी आते हैं, और आप इन्हें अनप्रोटेक्टेड सेक्स होने के 72 घंटों के अंदर अंदर खा सकते हैं। ये बहुत सिंपल है ना, बस पिल लीजिए, पानी के साथ उसे स्वॉलो कर लीजिए और आप बिल्कुल ठीक होंगी। अब बहुत सारे लोगों को इन पिल्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। IUD यूज़ करने के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे हर महीने ब्लीडिंग का बढ़ जाना या इन्फेक्शन हो जाना, लेकिन अगर आप इसे एक ट्रेन्ड और रजिस्टर्ड पर्सन से करवाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे टेंडर या सोर ब्रेस्ट्स, इरेगुलर ब्लीडिंग। कुछ लोगों को इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने के एकदम बाद भी ब्लीडिंग होती है, तो इससे ये होता है कि अगर आप अपना पीरियड 3 हफ्तों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो उसी समय आ सकता है। ये पिल के काम करने का एक तरीका ही है और इसलिए ये नॉर्मल है। इसके अलावा आपको नौजिया भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको पूरा टाइम वॉमिट करने का मन करे,
आपको हेडेक भी महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को थोड़ा एलर्जिक रिएक्शन भी होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज अपने डॉक्टर से मिलिए। आपको सोर बूब्स, उल्टी करने जैसी फीलिंग या थकान भी महसूस हो सकती है। हमें ये समझने की जरूरत है कि इन शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स के अलावा लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या हैं। और अब मैं आपको एक बहुत ट्रिकी आंसर देने वाली हूँ, और वो ये है कि वैसे तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स का आपकी फर्टिलिटी या आपकी हेल्थ पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता, पर आपको फिर भी इन्हें अपने रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन के फॉर्म में यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सस्ते होते हैं, कम साइड इफेक्ट्स के साथ आते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। लेकिन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक बहुत ही हैवी डोज ऑफ हॉर्मोन्स के साथ आते हैं। ये आपके रेगुलर और नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल के पैटर्न को चेंज करते हैं, और इसकी वजह से इसके आप कुछ साइड इफ़ेक्ट्स फेस कर सकते हैं, और ऐसा कोई नहीं चाहता। क्यों ना हम अच्छे रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे ही रिलाई करें, जैसे कॉन्डम, जो STIs को भी बचाते हैं और आपको प्रेगनेंसी से भी बचाते हैं। इससे आपको डबल फायदा है। इसके अलावा अपने डॉक्टर से आप दूसरे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में भी पूछ सकते हैं जो आपको सेफ लगें। इससे आपको कुछ आइडिया मिलेगा और आप इन्हें सेफली यूज कर पाएंगे। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियोस बाय अस।